वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता नेगी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइस कैसे हो आप सभी, होप सारे अच्छे होंगे। टाइटल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा आज का वीडियो क्या होने वाला है। अगेन माय चूड़ा कलेक्शन होने वाला है। चूड़े हैं, मैं आज उसका कलेक्शन दिखाऊंगी आपको। इनमें से कई चूड़े तो मेरे गायब भी हो चुके हैं, पता नहीं कोई कहीं ऐसे ऐसे हो रहे हैं। 2 साल में मैंने कितने चूड़े लिए हैं वो सारा आज मैं आपको दिखाऊँगी। मेरी शादी को बेसिकली 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल में मैंने कितने चूड़े चेंज करे हैं। शादी का चूड़ा भी दिखाऊंगी मैं आपको। मेरा शादी का चूड़ा मैंने इतना महंगा लिया था, ये देखो ये सारा फैला रखा है मैंने। ये अभी तो कुछ ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, उसके बाद फिर वीडियो करते स्टार्ट। चूड़ा कलेक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना। जो नए लोग आएंगे वीडियो पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। चलो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहला चूड़ा मेरा यह है, जो अगेन मेरी शादी का है। मैंने अपनी शादी पे लिया था, लॉकडाउन में मेरी शादी थी 2020 में कोविड-19 में। तो फिर उस समय आधी दुकानें खुल रही थी, आधी नहीं खुल रही थी, एक साइड की खुल रही थी एक साइड की नहीं खुल रही थी। तो ये चूड़ा मुझे बहुत महंगा मिला था। हाँ बट ये चूड़ा बहुत अच्छा है, इसके नग जो वगैरह ना, ये मैंने 2 साल में इतनी बार पहन लिया, अभी तक नहीं निकले बिल्कुल भी। कड़े इसके देखो बहुत अच्छे हैं, पर ये साइज़ मेरे को अब आता नहीं है, ये साइज़ मेरे को ना अब आता नहीं है। अब मेरे हाथ थोड़े बड़े बड़े हो गए, रियांश करने के बाद मैं काफ़ी मोटी हो गई हूँ, पहले मैं पतली सी थी। तो ये अब चूड़ा मुझे आता नहीं है, तो ये किसी काम का नहीं है, बेचारा एक कोने में पड़ा रहता है ऐसी। पर मैंने रखा हुआ है, शादी की निशानी संभाल कर रखना पड़ेगा और हमेशा रखना। इसे चूड़ा कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताना। कॉमेंट गाइस सेकंड चूड़ा मेरा ये, इसको यहाँ तक देखना। अब सेकंड चूड़ा मिला था, ये चूड़ा मुझे मैंने अभी तक मैं सबसे ज़्यादा अगर मैंने कोई चूड़ा पहनाना इन 2 सालों में तो ये है, इस चूड़े को पहना। ये कभी ख़राब ही नहीं होता है, इतना अच्छा चूड़ा ना, ये बहुत ही प्यारा मुझे मेरा फेवरेट चूड़ा है। मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ और अभी भी पहन रही हूँ। मैं कहती थी ये मेरा फेवरेट चूड़ा है और ये मुझे बहुत 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 प्यारा है। ये जो कड़े हैं ना ये वाले, ये मैंने अलग से ऐड किए, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। मैं ये मैंने इसमें अलग से ऐड किए हुए हैं। ये है ना 13 अक्टूबर का, उस पर मंगवाया था मैंने ये पूजा के लिए। पूजा मुझे दिखा रही थी ना मेरी सिस्टर छोटी वाली, तो पूजा को ये बहुत पसंद, दीदी मेरे लिए ये मंगवा लो, तो फिर मैंने उसके लिए मंगवाया था ये। हमारा ये है जो मेरी नंद, छोटी वाली नंद है मेरी अनु, उन्होंने मुझे मेरे सेकंड करवा चौथ पे, ये फरीदाबाद गुड़गांव रहती है ना वो, रिवाड़ी रहती है, उन्होंने मेरे लिए भिजवाया था ये चूड़ा। इसमें सारा हैंडवर्क का काम है, इसका जो कड़ा है ना बड़ा सा, इसमें सारा हैंडवर्क का काम है। पर ये चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने इसको इतनी बार पहन लिया, अभी तक ये ख़राब ही नहीं हुआ है। दो साल नहीं इसको, हाँ 1 साल से ऊपर हो गया है इसको, मैंने इतनी बार पहन लिया है पर ये अभी तक खराब नहीं हुआ, बहुत प्यारा चूड़ा है ये। अगेन फिफ्थ चूड़ा मेरा ये वाला है, ये आप देख सकते हो। अभी मेरे देवर की शादी थी तो हम लोग दिल्ली गए थे सदर बाज़ार से लिया था मैंने ये वाला चूड़ा, ज़्यादा महंगा नहीं है। पर सारे चूड़े ऑफलाइन हैं, कोई भी ऑनलाइन नहीं है, तो लिंक मैं किसी का भी दे सकती हूँ। ये देखो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है ये भी। तो 6 नंबर का चूड़ा हमारा ये वाला आ गया है, ये भी मैंने दिल्ली के सदर बाज़ार मार्केट से लिया था, ये भी बहुत प्यारा चूड़ा है। सो गाइस देख सकते हो आप ये चूड़ा भी, ये भी बहुत प्यारा चूड़ा है, ये भी बहुत सस्ता चूड़ा है, मुझे अच्छा लगा था, मैंने पूजा के लिए लिया, मैंने कहा चलो घर में पहनने का लिया था, उसके साथ सेट बनवाया था मैंने इस चूड़ियों का। ये भी बहुत प्यारी चूड़ियाँ हैं मेरी, ये अलग से मैंने बैंगल ऐड करवाए थे इसमें, 150 के 200 के थे ऐसे कुछ था, हाँ 150-200 के थे, 2 बैंगल्स थे बस, तो मैंने ये अलग से ऐड करवाए थे, अच्छे लगे थे मैंने इसलिए ऐड करवा दिया। की शादी थी ना कब थी, 24 जून को जो मैंने अपना लहंगा पहना था उस लहंगे के साथ की चूड़ियाँ हैं मेरी, ये मैंने कहा चूड़ा पहनते इतने साल हो गए, चूड़े से मैं बोर भी हो गई थी, फिर मैंने चूड़ियों का सेट बनवाया था, 420 रुपये लिए थे उन भैया ने शायद मेरे से, हाँ 420 रुपये का चूड़ी का सेट बनवाया था उन्होंने। फिर मैं बाद में पछता रही थी, मैंने कहा चूड़ियाँ क्यों ली होगी, मैंने चूड़ा ही ले लेते। फिर रियांश के पापा बोलने लगी इतने तो सारे चूड़े पहनती तो हो नहीं चूड़ियाँ, ठीक है तो फिर मैंने ये चूड़ी ली थी, ये मेटल की है,
सो गाइस ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट। कांच की चूड़ियाँ इन दो सालों में मैंने अभी तक बस एक ही बार ली है गाइस। कांच की चूड़ियाँ जो है ना वो मैंने अभी तक दो साल में अपनी शादी के बाद एक ही बार ली है, वो भी पिछले करवा चौथ पे, जब मेरा सेकंड करवा चौथ ना, ये मैरून चूड़ियाँ ली थी मैंने, पता नहीं क्या सोच के ले ली थी, बस ले ली थी और पहनी भी थी मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पहनती अपने सेकंड करवा चौथ पे। मैंने जो मेरी नंद ने चूड़ा दिया था ना शॉर्ट चूड़ा राजस्थानी चूड़ा, वो भी पहना था और ये भी पहनती थी। पहले मैं कथा पढ़ने के टाइम पे ये चूड़ियाँ पहनी थी और उस चूड़ों को मैंने रात के टाइम पहन लिया था। ये चूड़ियाँ भी डाली थी और चूड़ा भी डाला था क्योंकि स्पेशली उन्होंने करवा चौथ के लिए भिजवाई थी ना मेरे लिए, और नहीं डालती तो फिर उनको बुरा लग जाता। इसको मैंने दो डिब्बियाँ मंगवाई थी, ये एक बार डाली है बस अपने सेकंड करवा चौथ पे, उसके बाद तो मैंने देखी भी नहीं और आज देख रही हूँ मैं इसको वीडियो बनाने के लिए, वो भी दिख गई मेरे को तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं ऐड करा जाए। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा चूड़ा कलेक्शन अच्छा लगा हो, चूड़ियों कलेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना हो सके तो, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा चूड़ा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस लव यू, बाय बाय, मिलते हैं एक प्यारे से नई वीडियो के।